ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। ये राशिफल है 18 फरवरी 2019, सोमवार का दिन है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है तथा पुष्य नक्षत्र जो कि दोपहर 12:41 तक, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। कर्क राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दर्पण में अपना मुंह देख करके यात्रा कर सकते हैं। राहुकाल जो कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव कुंभ राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में, मंगल मेष राशि में, बुध कुंभ राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र धनु राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क एवं केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष, मिथुन, तुला, वृश्चिक और धनु ये 5 लकी राशियां रहने वाली है। इन 5 राशि वालों को बड़ा पद मिलने का योग बन रहा है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। संतान से मदद मिलने का योग बन रहा है। बिजनेस में किस्मत के सहारे ज्यादातर काम आपके पूरे होंगे। पैसों या रोजगार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। आसपास के कुछ लोगों के साथ आपकी बातचीत बहुत हद तक सफल हो सकती है। आप सकारात्मक रहेंगे। सौदेबाजी की स्थिति में आपका पक्ष मजबूत रहेगा। आज जो भी कोशिश आप करेंगे उसमें लोगों का समर्थन आपको मिल सकता है। आपके सोचे हुए ज्यादातर काम पूरे हो सकते हैं। गुस्से पर कंट्रोल करें वरना आपके काम भी बिगड़ सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि गुलाबी रंग के पर्दे, बेडशीट या टेबल क्लॉथ का यूज आप करते हैं तो आपके लिए दिन अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। दिमाग से काम ले, आज आप आकर्षक नजर आ सकते हैं। आपके जीवन में कई बदलाव भी हो सकते हैं। नए लोगों से दोस्ती और संपर्क होने का योग है। आपकी क्षमताएं विकसित होगी। अपनी अलग पहचान बनाने में आप समर्थ रहेंगे। दोस्तों के साथ आपको सामाजिक कार्यक्रमों में आनंद आ सकता है। प्रेमी के साथ संबंधों में सुधार होने का योग बन रहा है। पार्टनरशिप के कुछ काम में आपके फैसले फायदेमंद साबित होंगे। प्रेम के क्षेत्र में कुछ बदलाव होने का योग है। सेहत का पूरा ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी ऐसे काम में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए जो किस्मत के सहारे होने वाले हो। मेहनत की तुलना में सफलता थोड़ी कम मिल पाएगी। टेंशन भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन चिंता न करें, दिन आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। उपाय के रूप में यदि आप पक्षियों को दाना डालेंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आपका रवैया काफी सहानुभूतिपूर्ण और लचीला रहेगा। ज्यादातर मामलों में आप पूरी गहराई में जाकर ही समझ सकेंगे। माता पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा। किसी दोस्त की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आपकी मदद से साथ वाले सभी लोगों के काम व समस्याएं जो है पूर्ण हो जाएगी। यदि समस्या चल रही है तो वह समाप्त हो जाएगी। आप कोई ऐसा फैसला भी कर सकते हैं जिसका असर दूसरों पर पड़ता हो। दोस्त आपसे संपर्क करते रहेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। भोजन में आपको सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। और उपाय के रूप में सफेद रंग का एक रुमाल यदि आप अपने पास रखेंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। किसी बात को लेकर के मन में उत्सुकता रहेगी। अच्छा बोलकर आपकी कोशिशें पूरी हो सकती है। कुछ लोग आपको खुद से जोड़ने की कोशिश भी करेंगे। अपने मन की बात हर संभव ढंग से कहने की कोशिश भी करेंगे। आप जो कहेंगे लोग उसे पूरी गंभीरता से सुनेंगे और सहमत भी होंगे। ऐसे में आपको कोई महत्वपूर्ण बातचीत करनी हो या इंटरव्यू आदि हो तो सफलता मिल सकती है। आज आप निस्वार्थ ढंग से कई काम कर सकते हैं। आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके लिए दिन सामान्य रहेगा। परिवार में कोई नया सदस्य भी आ सकता है। खुद पर भरोसा रखें तो सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। ऑफिस में आज सबके ऊपर आपका प्रभाव बना रहेगा। भावनात्मक तौर पर आप पुरानी बातों में ही खोए रह सकते हैं। और उपाय के रूप में कोई भी मंदिर में जाकर यदि आप घी का दान करते हैं तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सुखद और आनंददायक दिन रहेगा। आप खुद में कुछ बदलाव करने की कोशिश भी करेंगे। कोई योजना आपके मन में है तो आपके लिए दिन खास रहेगा। कैरियर के लिहाज से दिन यादगार साबित होगा।
अपना इरादा लचीला रखें। जो भी प्रस्ताव हो उस पर बातचीत में आप पूरी तरह सफल रहेंगे। पैसे कमाने के कुछ नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं। ऑफिस में अपना व्यवहार विनम्र रखें। विश्वास में कमी नहीं आने दें। कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय आपका व्यतीत हो सकता है। और उपाय के रूप में एक लौंग खा करके यदि आप घर से निकलते हैं तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आप संयम रखें। नई चीज आपको सीखने की जरूरत है। जिसकी आप अनदेखी करते आ रहे हैं वो वस्तु या स्थिति आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आप थोड़े व्यवहारिक रहेंगे, इससे आपको फायदा होगा। सामाजिक तौर पर आप बहुत ज्यादा सक्रिय रहेंगे। भावनात्मक दृष्टि से आप बहुत उत्साहित रहेंगे। आपको खुद पर पूरा भरोसा है और दूसरों पर भी रहेगा। किसी निजी और भावनात्मक मामले पर कोई आपसे राय भी मांग सकता है। नए विचार आपके दिमाग में आएंगे। कोई नया प्रेम संबंध भी शुरू होने की संभावना है। बहुत से लोगों के चहेते आप बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा कहा जा सकता है। और उपाय के रूप में यदि गणेश जी के मंदिर में हरे रंग की घास जिसे दूर्वा कहा जाता है वो यदि आप चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। दिन शांति से बिता दे आपके लिए अच्छा है। दिमागी और शारीरिक तौर पर आप व्यस्त रहेंगे। खट्टे मीठे अनुभव वाला दिन आपके लिए साबित होगा। आज आप मन की बात मन में ही रखेंगे। एकांत में बैठने की इच्छा आपकी होगी। अपने काम से पीछे न हटे। पैसा कमाने के कुछ नए और अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। अपने आत्मविश्वास के दम पर आप दूसरों से अलग पहचान बनाने में सफल हो जाएंगे। किसी नई दिशा में आगे बढ़ने की पूरी तैयारी आपको करना चाहिए। आपका ध्यान लक्ष्य पर हो सकता है। इनकम भी बनी रहेगी। संतान की उन्नति से खुशी मिलेगी। संतान के किसी भी काम में आप शामिल रहेंगे। एक तरह से उसकी मदद भी आप करेंगे। बिजनेस में नई योजनाएं बन सकती है जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अचानक किसी अजनबी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने की संभावनाएं बन रही है। और उपाय के रूप में यदि आप इलायची खा करके घर से निकलते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। लेन देन और बचत के मामलों में सीरियस रहे। दिन अच्छा है। भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें और उससे आपके कुछ दोस्त यादगार भी हो सकते हैं। उनसे मिले और बात करें। आपका दिमाग तेज चलेगा। सही स्थान पर सही बात करने से लोगों पर अच्छा प्रभाव आपका पड़ेगा। आज आप ऐसे लोगों से दूर जाने की कोशिश कर सकते हैं जो नकारात्मक पैदा करते हैं। भावनात्मक संतुलन भी बना रहेगा। जीवन साथी के साथ मतभेद समाप्त करने की कोशिश आपकी रहेगी। इसमें आपको सहायता मिलेगी। जीवन साथी की भावना समझने का प्रयास करें। संतान से संबंधित कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। माता पिता की मदद आपको मिलती रहेगी। परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार को लेकर परेशानी हो सकती है। और उपाय के रूप में गुड़ खाकर यदि आप घर से निकलते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। किस्मत का साथ आपको प्राप्त होगा। आज के हालात और आपसे मिलने वाले लोग आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस समय की गई कोशिश सफल हो जाएगी। आज हो सकता है आपको वर्तमान नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल जाए। इनकम बढ़ने के ज्यादा चांस है। भाइयों के साथ चल रही पुरानी अनबन सुलझ जाएगी। अचानक कोई परेशानी समाप्त हो जाएगी। आपका मन काम में लगेगा। ससुराल पक्ष से कोई उपहार मिलने का भी योग है। अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दे। कुछ पुराने मामले आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। उपाय के रूप में यदि आप पीली वस्तु का सेवन करेंगे, पीला भोजन करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। अपने कामकाज के बारे में गंभीरता से विचार आप करेंगे। किसी से मिली जानकारी से या किसी विज्ञापन से कोई नया ही काम आपको मिल सकता है। दूसरों की सलाह पर ध्यान दें। नए लोगों से मुलाकात होगी। आपको कुछ फायदेमंद काम भी मिल सकता है। शिक्षा, नौकरी या बिजनेस से जुड़ी कुछ यात्रा भी आपको करनी पड़ेगी। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में यदि आप सरसों के तेल का एक दीपक जलाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। अचानक आपको फायदा होगा। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। आपको पैसों की जरूरत है तो मददगार आसानी से मिल जाएगा। और नया वाहन, नई भूमि या नया भवन आपको प्राप्त होने का योग बन रहा है। रोजमर्रा के कुछ काम आपके पूरे हो सकते हैं। पार्टनर से सहयोग प्राप्त होगा। छोटी मोटी बातों को ज्यादा तूल न दे। और उपाय के रूप में एक नारियल यदि आप देवी जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आपका जोश चरम पर रहेगा। नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं। रोमांस और प्यार के मामले में दिन ठीक ठाक रहेगा।
आज आप संबंधों को महत्व देंगे। रिश्तों से जुड़े कई पहलू आपके लिए खास हो सकते हैं। किसी रिश्ते को मजबूत करने या टूटते रिश्ते को बचाने के लिए कोई सलाह भी आपको प्राप्त हो जाएगी। जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ आपके ऊपर हो सकता है, आपको सावधान रहना होगा। कुछ गलत आपके द्वारा न हो, इस सावधानी को भी आपको बरतना होगा। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में मिश्री चढ़ा करके उसमें तुलसी पत्र चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।